तो भाई लोग ये है इन्फिनिक्स का 035G जो कि रिसेंटली इंडिया पे लॉन्च हुआ है। इसका भाई मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा है क्योंकि जिस प्राइस में आया है जो फीचर्स और डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली में काफी बढ़िया है। लेकिन गाइस पिछले 20 दिनों से इस मोबाइल को मैं अपना प्राइमरी डिवाइस के हिसाब से यूज कर रहा हूँ। अगर आप मेरा पुराना व्यूअर्स हो तो शायद आपको पता होगा इसका मैंने अनबॉक्सिंग, गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट ऑलरेडी चैनल पर डाल के रखा है। मतलब हर तरीके का टेस्ट मैं इस मोबाइल के साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ और पिछले 20 दिनों से इस मोबाइल को यूज कर रहा हूँ तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी मुझे पता चल चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका यूजर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आफ्टर 20 डेज। और इस मोबाइल को 20 दिन तक यूज करने के टाइम मुझे इस मोबाइल में 3 कमियां या फिर प्रॉब्लम देखने को मिला, क्योंकि हर मोबाइल हर तरीके से बेस्ट नहीं होता है, आपको भी पता है। तो इस मोबाइल में मुझे 3 कमियां देखने को मिला जो कि इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस के साथ जो 3 कमियां है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि मोबाइल खरीदने से पहले आपको ये पता चले कि भाई फोन कैसा है और कैसा नहीं है। बाद में मोबाइल लेके भाई पछताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब कुछ पहले ही जान लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक का टारगेट 1500 रखता हूं, प्लीज आप लोग उससे ज्यादा ही कंप्लीट करवा दो। तो देखो गाइस कोई भी यूजर मोबाइल खरीदने से पहले सबसे पहले फोन का डिजाइन देखता है। अब ये जो 035G आया है दोस्तों दो वेरिएंट में आया है, एक तो लेदर वाला वेरिएंट है जिसमें वीगन लेदर दिया गया है और एक आपको ग्लास वाला वेरिएंट मिलता है। जो ग्लास वाला वेरिएंट है उसका बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वीगन लेदर में आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास मिलता है, बैक में नहीं मिलता है। लेकिन गाइस अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जो वीगन लेदर वाला मतलब फोन है ना वो भाई हाथ में पकड़ने में काफी मक्खन स्मूथ जैसा फील होता है, क्योंकि वीगन लेदर भाई काफी स्मूथ रहता है और जिसके वजह से टच करोगे तो काफी अच्छा फील होगा आपको। लेकिन फोन एक्चुअली में काफी पतला और स्लिम के साथ आया है, 7.9 mm का थिकनेस है, हाथ में पकड़ोगे तो हाँ आपको फील होगा भाई काफी लाइट वेट है और ये थोड़ा सा बड़ा साइज है तो इसलिए आपको दो हाथ तो यूज करना ही पड़ेगा फोन यूज करने के लिए। तो साथ में फ्रंट में आपको कर्व डिस्प्ले दिया गया है जिसके वजह से फ्रंट व्यू भी फोन का काफी अच्छा लगता है। लेकिन बैक साइड में जो कैमरा मॉड्यूल है दोस्तों ये लेदर वाला वेरिएंट का, ये भाई स्पेशली प्रीमियम फील कराता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो भाई गोल्डन टाइप का आपको कलर दिया गया है जो कि प्लास्टिक का है बट अच्छा क्वालिटी का है और साथ में चारों कोने में स्क्रू टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली में इस बजट में किसी भी साइज स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलता होगा। तो डिजाइन के मामले में इन्फिनिक्स ने सच में काफी बढ़िया काम किया है। और साथ में बिल्ड की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई ग्लास वाला में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है और IP53 का रेटिंग भी आपको मिल जाता है। मतलब बिल्ड के साथ डिजाइन में यहां पर इन्फिनिक्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अब उसके बाद दोस्तों जब हम लोग मोबाइल यूज करते हैं ना तो सबसे ज्यादा देखते हैं भाई डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले में ही हम लोग सब कुछ काम करते हैं। तो इस फोन में जो डिस्प्ले दिया है काफी बढ़िया क्वालिटी का है, 6.78 inch का डिस्प्ले है, एमोलेड है, कर्व एमोलेड है और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है और साथ में यहाँ पर वाइड 1L1 का सपोर्ट है। यूट्यूब में कंटेंट देखने के टाइम मक्खन के जैसा कलर निकल के आता है, आउटडोर में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं देता है, 950 nits का ब्राइटनेस है, काफी तगड़ा ब्राइटनेस निकाल के देता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि काफी अच्छा हर बार वर्क करता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भाई इस फोन में आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि डिस्प्ले का एक प्लस पॉइंट कह सकते हो। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले में आप एक भी कमियां नहीं निकाल सकते हो, काफी बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया है इन्फिनिक्स ने। लेकिन जो स्पीकर है दोस्तों फोन में ड्यूल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है और इसका साउंड क्वालिटी एक्चुअल में काफी बढ़िया लाउड और क्लियर निकाल के देता है, साउंड में भी आप यहां पर कंप्लेन नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों फोन का UI देखोगे तो ये फोन आया है डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ, जहां पर XOS यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा बहुत आपको ब्लोटवेयर भी मिलता है, बट ये सारे ब्लोटवेयर को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस यहां पर क्लीन एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है जैसे कि GT 10 Pro में आपको मिला था। और अगर अपडेट की बात करें तो कंपनी ने कहा कि भाई एक ही अपडेट मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 14 तक आपको यहां पर अपडेट मिलेगा। बट अगर UI का एक्सपीरियंस की बात करें गाइस तो UI में मुझे कभी भी हल्का सा झिटक, हैंगिंग या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला। हर ऐप बहुत ही स्मूथली ओपन क्लोज हो रहा था और इसमें बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मतलब नोटिफिकेशन मुझे देखने को नहीं मिला। और उसके बाद मोबाइल को लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए दोस्तों बैटरी कैपेसिटी भी अच्छा चाहिए फोन का, तो इस फोन का बैटरी भी मैंने चेक किया, 5000 mAh का बैटरी इस फोन में दिया गया है और इसको दोस्तों आराम से आप एक दिन यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। मतलब अगर आप गेम खेलते हो या फिर ऑफिस का काम करते हो या फिर फोन एक बार चार्ज करके बाहर लेके जाते हो, आपको एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल के देता है। मतलब यहां पर कोई इतना इशू देखने को नहीं मिला मुझे। लेकिन 68W का चार्जर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट है, बहुत तेजी से मोबाइल को फुल चार्ज करके देता है और टाइप सी पोर्ट भी दिया है। लेकिन यहां पर बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि भाई इन्फिनिक्स का GT 10 Pro में दिया गया था। बट जो कैमरा है फोन का दोस्तों हाईलाइटिंग फीचर, जैसे आपको तो पता ही है भाई पहले से ही इन्फिनिक्स कह रहा है कि भाई यहां पर कैमरा आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। तो बैक साइड में 108 MP का ट्रिपल रियर कैमरा यूज किया गया है, जहां पर 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है, बाकी का आपको 2 MP का सेंसर मिलता है और जो 108 MP का सेंसर है दोस्तों वो सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है। वैसे तो आपको पता ही है इसका मैंने कैमरा टेस्ट ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखा है, भाई फोटो एक्चुअली में काफी बढ़िया निकाल के देता है। लेकिन वीडियोग्राफी की बात करें 4K 60fps सपोर्ट करता है बैक साइड में और अगर आप OIS ऑन करते हो तो आपको 1080 pixel में 30fps में वीडियो का ऑप्शन दे रहा है। बाकी इसका वीडियो टेस्ट का सैंपल आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। अब सेल्फी दोस्तों आपको काफी बढ़िया मिलता है भाई, यहाँ पर 50 MP का सेल्फी कैमरा है और इसमें भी दोस्तों फोटो काफी बढ़िया निकाल के देता है, चाहे लो लाइट चाहे डे लाइट किसी भी एंगल
में। लेकिन गाइस यहाँ पर 4K 60fps का ऑप्शन दिया गया है फ्रंट में भी, जो कि इस बजट में एक लौता स्मार्टफोन है ये ऑप्शन आपको दे रहा है। और ब्लॉगिंग के लिए सच में ये काफी तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि डिटेल्स एक्चुअली में काफी बढ़िया निकाल के देता है। अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर ब्लॉगिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये फोन चेकआउट कर सकते हो। इसका वीडियो टेस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, कैमरा टेस्ट वाला वीडियो देख लेना। अब आते हैं भाई मेन मुद्दे पे। भाई जो लोग गेमर हो या फिर जिसको एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का चाहिए, मतलब हाई ग्राफिक्स वाला कोई काम करते हो, तो उसके लिए यहाँ पर चिपसेट भी काफी बढ़िया दिया गया है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 का चिपसेट है भाई। और एक्चुअली मैं अगर कहूँ, इसका गेमिंग टेस्ट तो ऑलरेडी चैनल पर डाल के रखा है BGMI वाला, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग के टाइम में मुझे यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। और फोन का भाई ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी मुझे फेस नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों इसका मैंने अंतुतु स्कोर भी निकाला था, 7 लाख से ज्यादा अंतुतु स्कोर निकालता है। या फिर थर्मल थ्रोटिंग टेस्ट भी किया था, उसका भी ग्राफ वगैरह आप देख सकते हो, काफी तगड़ा निकाल के देता है। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस के मामले में या फिर हेवी यूज के मामले में फोन एक्चुअली में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और इसमें दोस्तों आपको 12 GB का रैम मिल जाता है 256 GB स्टोरेज के साथ। UFS 3.1 का स्टोरेज भी दिया गया है, बाकी 8 GB 256 GB वाला फ्रेंड भी है। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर 14 5G बैंड भी मिल जाता है, True 5G यहाँ पर मैं यूज करके देखा हूँ भाई, काफी अच्छा मतलब इंटरनेट स्पीड मिला है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप छुपके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर OTG सपोर्ट है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, मतलब हर एक तरीके से फीचर्स में यहाँ पर इन्फिनिक्स ने कोई कमियां नहीं छोड़ा है। ओवरऑल एक बढ़िया फोन है जिस बजट में यह फोन आया है दोस्तों, बेस ब्रांड भी आप ले सकते हो। लेकिन जो 3 कमियां मुझे देखने को मिला, चलिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताओ मोबाइल लेके। तो पहला जो कमियां मुझे देखने को मिला वो है भाई इसका SD कार्ड का स्लॉट या फिर सिम स्लॉट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। वैसे तो 256 GB स्टोरेज है, बट अगर आप चाहो तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 सिम का ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये चीज मुझे कमियां देखने को मिला, थोड़ा सा अगर एड कर देता मतलब डेडिकेटेड सिम स्लॉट तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी 2 नंबर जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर मतलब फेस हुआ दोस्तों, वो है भाई इसका 3.5 mm हेडफोन जैक ना होना। काफी सारा यूजर ऐसा रहता है जो कि 3.5 mm हेडफोन जैक या फिर हेडफोन यूज करता है, बट इस फोन में वो ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 3.5 mm का जो हेडफोन रहता है ना, वो भाई नहीं घुसा सकते हो अंदर। तो ये 2 नंबर प्रॉब्लम मुझे छोटा सा मतलब फेस हुआ। बाकी जो 3 नंबर प्रॉब्लम है दोस्तों, वो भाई काफी सारा मतलब कस्टमर को अच्छा नहीं लगा इस फोन में, जो है भाई इस फोन का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने प्रोमिस किया है एंड्रॉइड 14 तक का ही अपडेट मिलेगा, कम से कम 15 तक का अपडेट देना चाहिए था ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इस फोन में आपको एंड्रॉइड 14 का ही अपडेट मिलेगा, उसके बाद अपडेट देना बंद हो जाएगा, मतलब एंड्रॉइड अपडेट आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि फोन नहीं चलेगा, फोन चलेगा लेकिन अपडेट आपको नहीं मिलेगा, यही एक प्रॉब्लम है। बाकी सिक्योरिटी अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा। तो ये था इन्फिनिक्स 035G का 3 छोटा-छोटा प्रॉब्लम जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो भाई आप स्किप कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि भाई ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है, बट जो भी था मैंने आपसे शेयर किया। बाकी जिस बजट में फोन आया है एक्चुअली में किलर फीचर्स और किलर डिजाइन प्रोवाइड करता है। और अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो, इसका गेमिंग टेस्ट कैसा है या फिर इसका कैमरा कैसा है, तो भाई चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी चैनल पे है, जाके जरूर से चेकआउट करना, और इन्फॉर्मेशन आपको इस फोन के बारे में पता चलने वाला है। तो जो था मेरा यूजर एक्सपीरियंस आफ्टर 20 डेज, वो मैंने आपसे शेयर किया गाइस। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, हॉनेस्ट ओपिनियन था, कमेंट करके बताना। अच्छा लगे वीडियो प्लीज लाइक जरूर करना। बाकी अगर आप BBD सेल में इस मोबाइल को लेना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है, उसका वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा तो वो वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।